हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग जाएंगे आज इंडियाज फर्स्ट अंडरवाटर मेट्रो, दैट इज़ हावड़ा मेट्रो। और मैंने ये पता किया है कि हमारे पास जो मेट्रो कार्ड है, जो मेरे पास पर्सनली है, वो है दमदम मेट्रो का, जो ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन का मेट्रो का जो कार्ड है मेरे पास, वो इस मेट्रो में भी चल जाएगा। तो बेसिकली क्योंकि एस्प्लैनेट कनेक्टिंग स्टेशन है ब्लू लाइन और जो हावड़ा मेट्रो का लाइन है, तो इसलिए उस कार्ड को मैं आज यूज़ करूँगा। अगर ये नहीं चला तो हम लोग 10 रुपीज़ का जो टिकट होता है वो डायरेक्टली इधर से काट लेंगे। आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन है, मेन इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड में। और मैं आपको शायद उधर ना बता पाऊँ, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ कि मेट्रो का जब टनल में एंट्री होगा हुगली रिवर के नीचे, तब एक ब्लू कलर का लाइट, LED लाइट्स टनल में रहते हैं, तो वो देखने को मिलेगा। मैं आपको फुटेज ज़रूर दिखाऊंगा, शायद आपने देखा भी होगा बहुत सारे वीडियो में। एंड लेट्स बिगिन, एंड सारी डिटेल्स आपको एंड में पता लग जाएगा, कितना फेयर है, कैसे जाना है, कहाँ से क्या है। एंड शायद हम लोग रेल म्यूज़ियम होकर भी एक बार आ जाए। मैं और मेरा एक दोस्त जा रहा है। रेल म्यूज़ियम बहुत दिन से हावड़ा में खुला हुआ है और अभी तक जाना नहीं हुआ है मेरा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। दोस्तों, यहाँ पता लगा है कि 20 मिनट बाद एक मेट्रो है, मतलब मेरे दोस्त को पता था 12 मिनट बाद है, मगर इधर 20 मिनट लिखा रहा है। एक मेट्रो हम लोगों ने छोड़ दिया है बिकॉज उसमें थोड़ा भीड़ था, तो हम लोगों ने सोचा था अच्छे से ही ट्रैवल करेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट मेट्रो आने वाला है, कब आता है, और हम लोग अभी इस प्लैनेट मेट्रो में ही खड़े हैं। दिस इज हावड़ा मेट्रो और हम लोग जा रहे हैं अभी रेल म्यूजियम। फिलहाल देखते हैं, हो सकता है कि नहीं, तो अगर टाइम भी तो है इसीलिए हम लोग रेल म्यूजियम जा रहे हैं। अब जरा आप लोग ये देखिए, ये इतना लंबा एस्केलेटर है,
कि ये बहुत ऊंचा है, बहुत नीचे एक्चुअली, अंडरग्राउंड में है और हम लोग जा रहे अभी हावड़ा स्टेशन। सी द ये आ गए हम लोग हावड़ा, वो रहा हावड़ा स्टेशन। दिस इज द मैसिव हावड़ा स्टेशन एंड इधर से ट्रेन आप ले सकते हो जो पैसेंजर ट्रेन्स होते हैं। और ये हो गया एग्जिट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी रेल म्यूजियम, बहुत और एकदम शाम का वक्त है। लेट्स सी क्या दिखता है इधर। नाइस, एक रेस्टोरेंट है, ये है 2022 वैम आसानसोल। अच्छा है, खराब नहीं है। ये क्या है या यार, रूट नहीं सकते। ये इंजन तो भाई साहब, स्टीम लोकोमोटिव अगर तुम देख सकते हो, स्टीम लोकोमोटिव नंबर HGS 26761। ये नॉर्मल लोको लोकल ट्रेन का बॉडी, लोको पायलट टू बी रिजर्व फॉर हेरिटेज 1600 ओआर। देखिए ईस्ट पाकिस्तान रेलवे, बहुत पुराने ये सब इंजिन्स हैं, क्या बात है। हम लोग थोड़ा खाना वाना खाने के बाद फोर्ट से निकले हैं। ये है हावड़ा का म्यूजियम। रात में हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, अगर बहुत अच्छा जगह है ये। वैसे तब बहुत गर्मी था, अभी थोड़ा गर्मी कम हो गया है। ये है जो इसके अंदर तो मॉडल्स छोटे छोटे वो बनाए हुए हैं। लेट्स सी। तो ये है मॉडल प्रिंस, सी दिस ब्यूटी। ये हमारा सिग्नल गेट्स, ओपन क्लोज वाला। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। हाँ, रेलवे स्टेडियम विद बास्केटबॉल वैली, कबड्डी कोर्ट्स एंड बेहाला कोलकाता। वाओ, हेरिटेज स्पेशल ट्रेन हावड़ा टू बैंडल इन August 16, 2003। 150th ट्रेन ईयर रनिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ओके नाइस, ओल्ड जुबली ब्रिज, कोलकाता स्टेशन, सर्कुलेटिंग एरिया। ज़्यादा कुछ नहीं है मगर ये हेरिटेज मेंटेन करने के लिए है। हावड़ा स्टेशन
हेल से रिकार्डो आर्किटेक्ट, बहुत बड़ा एक्चुअली ये स्टेशन है, तो ये बनाने में तो बहुत दिमाग लगा के बनाए होंगे सब। ओल्ड हावड़ा स्टेशन, वाओ मस्त लग रहा है दिखने में। ये कंट्रोलिंग एरियाज है, इधर कुछ और चीज़ें, ये है हमारी टोकन इंस्ट्रूमेंट, जो ये लीवर्स हो गए जो रेल लाइन एक्सचेंज में काम में आता है, जो इधर उधर होता है ट्रेन किस रूट में जाएगा। ये ऑयल लैम्प है, बहुत पहले यूज़ होता था ये सब। हावड़ा स्टेशन का मॉडल, जस्ट सी दिस ब्यूटी, वाओ नाइस। लोग अभी लास्ट ये घुसते समय देखा था हम लोगों ने, मगर हम लोग अभी इसमें देखेंगे हॉल ऑफ फेम। नाइस, प्राइम मूवर्स, एसेट्स ऑन व्हील्स, वैगन्स, एवोल्यूशन ऑफ वैगन्स, फोर व्हील्ड कवर्ड कैटल वैगन, जस्ट इनका एवोल्यूशन देखिए, वाओ। ये भी मॉडर्न वैगन्स, ये भी यूज़ होते हैं, मैंने देखा है इनको, ये बहुत पहले यूज़ होते थे, अभी बहुत कम दिखते हैं। ये दिखते हैं एयर ब्रेकर्स, ये तो आर्मी लोग यूज़ करते हैं अभी। टैंकर्स, टैंकर्स भी दिखते हैं, ये सारे मॉडर्न हैं। ये बॉगिस कोचेस फ्लैट, स्विट्जरलैंड डिज़ाइन, इसमें पहले राजधानी वाला डिज़ाइन लग रहा है। ये हमने जो वैगन्स उस तरफ देखे, ये सारे जो इंजिनस है, बाहर में इंजिनस देखा था हम लोगों ने, उनका है ये। और चलिए आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ, फोटोज़ हो गया, ये रहा इंजन। मॉडल ऑफ स्टीम इंजन बॉयलर, डबल पाइप हॉरिजॉन्टल बॉयलर, वाओ, ये सब जीनीस। वर्टिकल बॉयलर, फ्री फायर ट्यूब बॉयलर, ये हम लोग इंजन के सामने आ गए हैं। क्या मस्त इंजन है, 3403। साइज देखो इंजन का भाई, फोन में भी पूरा नहीं आ रहा है। हमारा मीटर गॉज लोकोमेटिव, YG क्लास मीटर गॉज, टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1960। ट्रैक्स, जरा इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, तो शायद टॉय ट्रेन है, दैट्स द टॉय ट्रेन, वाओ। WDM M2 इंजन के अंदर ऐसा रहता है, वाओ। जिन लोगों ने शायद बाहर देखा था 2-3, ये तो हो गया स्टीम इंजन HP। ये देखिए इधर कोयला रखा हुआ है, इसको लेके इसमें डाला जाएगा। लेट्स सी, स्टीम लोकोमोटिव 798B। इस
जो एक्चुअली ये अभी डीजल हो गया है, ये तो शायद ये स्टीम, मैंने इसमें क्या देखा था, शायद रिसाइड्स ग्रेटफुल रीजनल रेन म्यूजियम हावड़ा, ये टॉय ट्रेन जैसे, ये दार्जिलिंग में आपको ऐसे ट्रेन दिख जाएंगे और थोड़े अभी एडवांस हो गए। फर्स्ट क्लास चेयर कार कोच कांचनजंगा, ये रहा दार्जिलिंग हिल्स, ये देखिए मैंने बोला था ना दार्जिलिंग हिल्स, ये अभी भी चलते हैं, ये बंद हो गए थे, अभी चलते हैं वापस से। मैं इसमें बहुत बचपन में बहुत छोटा था तब मैंने चढ़ा था ये। ये हो गया हमारा 19th सेंचुरी डबल डेकर कोच, वाह क्या मज़ा आता नहीं, डबल डेकर मॉडल ऑफ एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास कोच डर 10, वाह। दोस्तों हम लोग रेल म्यूज़ियम घूम लिए हैं, अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ी देर में, तो देखते हैं हम लोग, इसके बाद तो घर ही जाना है, फिर हावड़ा मेट्रो पकड़ के वापस हम लोग घर जाएंगे। बहुत थक गया हूँ, बहुत गर्मी भी है ऊपर से, एंड इधर से जाने में हम लोग इधर से प्लैनेट मेट्रो जाएंगे, फिर उधर से और एक मेट्रो पकड़ेंगे जो मेरे घर की तरफ निकलता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड हम लोग ने खा भी लिया, आपको रेल म्यूज़ियम के अंदर ही खाना मिल जाएगा, मगर उतना अच्छा नहीं लगा, मगर ठीक है, इधर आने से बहुत नया नया जगह है, रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट खुल रहा है तो सही है, अच्छा भी लगा। विंटर में आप लोग अगर विंटर में आते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इधर बहुत गर्मी है और एयर कंडीशन नहीं है, बस रेस्टोरेंट में एयर कंडीशन है। दिस इज़ द हावड़ा एंट्रेंस, ठीक, जहाँ से हम लोग वापस जाएंगे। एंड फोकस नहीं आ रहा है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, निकलते समय जैसा देखा था वैसा ही है। फिर से हम लोग एस्केलेटर की तरफ, एकदम गहरा एस्केलेटर है, वाव नाइस स्टेशन। ये पूजा का थीम बनाया हुआ है, लुक एट द लेंथ ऑफ द एस्केलेटर। Thank you.